सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम इरशाद अली और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर के लिंकेज यानी यूनिट वन की हम बात कर रहे हैं। यूनिट वन में हमने अब तक क्या किया है, दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और हम किस टॉपिक बारे में बात कर रहे हैं, लिंकेज के बारे में। और जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले दो वीडियो बन चुकी है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये है बीएससी फाइनल ईयर सेकेंड पेपर यूनिट 1। ठीक है दोस्तों, लिंकेज के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने बात की थी किस प्रकार बैटसन पनट ने क्या प्लानिंग किया था कि हम लिंकेज का अध्ययन करेंगे और लिंकेज को हम बता देंगे कि लिंकेज होता क्या एक्चुअल में। उन्होंने क्या किया, लिथारियस पी पे वर्क किया, अपना स्वीप पी पे क्या किया, वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया। और जब तक वो अपने रिजल्ट में पहुंचे तो इंटरेस्टिंग क्या था उसमें कि उन्होंने क्या किया था, लिंकेज को ना बताकर कपलिंग और रिपल्सन बताया। और कपलिंग रिपल्सन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब दो जो होते हैं हमारे डोमेट, आप बोल सकते हैं एलियल्स जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो अगर एक ही पेरेंट से आते हैं तो साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग से आते हैं तो वो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। जो साथ में रहते हैं वो क्या है, कपलिंग है, और जो अलग अलग रहते हैं रिपल्सन है। सो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ये वीडियो समझना है क्लियरली तरीके से, तो आप चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको सबसे पहले लिंकेज का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा ये जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं, आपको पूरा लिंकेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो कपलिंग रिपल्सन रिजल्ट आ चुका था बैटसन पनट के द्वारा। ठीक है, अब एक न्यू साइंटिस्ट आते हैं, और ये जो साइंटिस्ट है ना, ये आप ये बोल सकते हो कि बहुत चालाक हैं, बहुत ही शार्प माइंड के। क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, होता है हमारे साथ, आप लोगों ने देखा होगा कि खाना कोई और बनाता है, खाता कोई और है, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि खाना जो तैयार करते हैं ना एक्चुअल हम लोग घर में, वो खाना बैटसन पनट ने तैयार किया, और जो सारा क्रेडिट था कि हाँ इस खाने को मैंने बनाया है, टीएस मॉर्गन आए, सारा क्रेडिट लेकर चले गए। मुझे बहुत ही दुख होता है बैटसन पनट के लिए कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारा काम कर ही लिया था, ऑलमोस्ट सारा काम लिंकेज के ऊपर कर लिया था, उन्होंने लिंकेज को बता ही दिया था कि लिंकेज है क्या। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ बैड लक होता है, तो बैड लक था कि वो उनका नाम नहीं हुआ। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन थे वो साइंटिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, और टीएच मॉर्गन को ही एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो टीएच मॉर्गन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीएच मॉर्गन ने बताया कि वास्तव में कपलिंग व रिपल्सन, टीएच मॉर्गन ने क्या बताया कि वास्तव में कपलिंग व रिपल्सन एक ही फिनोमेन के दो पहलू हैं। ठीक है, कपलिंग व रिपल्सन क्या है, एक ही फिनोमेन के दो पहलू हैं, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का होता है ना, हेड टेल होता है, वैसे ही एक सिक्का है, तो एक तरफ क्या, हेड की जगह हमारा कपलिंग है और टेल की जगह रिपल्सन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कपलिंग व रिपल्सन ही लिंकेज कहलाता है। ठीक है, कपलिंग और रिपल्सन ही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। कैसे, देखिएगा, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर वर्क किया, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, याद रखिएगा। ड्रोसोफिला पर क्या किया, स्टडी किया, स्टडी करके बताया कि हमें कपलिंग व रिपल्सन अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार बैटसन पनट ने बताया था ना कि सिस अरेंजमेंट को लेकर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका रिजल्ट आया था, तो उससे कपलिंग बना था, कपलिंग का डेफिनेशन आया था, उसी प्रकार ट्रांस अरेंजमेंट से क्या आया था, रिपल्सन का डेफिनेशन आया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि कपलिंग और रिपल्सन को अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे हैं, क्योंकि कपलिंग व रिपल्सन में एक चीज़ कॉमन थी, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो आपको मालूम होगा वो चीज़ क्या कॉमन थी, वो कॉमन थी पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मैंने कल बताया था आपको ना, रेशियो क्या आया था, 7-1-1-7, ये आता है हमारा सिस अरेंजमेंट का आता है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, ये था सिस अरेंजमेंट का। और ट्रांस का क्या आया था, ट्रांस का आया था 1-7-7
वन, ये था ट्रांस अरेंजमेंट का रेशियो, ठीक है, ट्रांस अरेंजमेंट का। तो जाकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए, ट्रांस अरेंजमेंट का ये रेशियो था, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये। तो ये जो 7:7 था रेशियो, ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा था, यहाँ भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन को, और ये जो 1:1 था वो रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहा था। तो उन्होंने क्या बताया कि एक ही रिपल्सन और कपलिंग, एक दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, क्या थी, कि दोनों में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा था, 7:7 रेशियो आ रहा था ना, 7:7, ठीक है, क्योंकि लिंकेज का मीन ही होता है, लिंकेज का मीन ही होता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वंशागत हो जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंकेज का मतलब होता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वंशागत हो जाना। तो यहाँ पर भी तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने यही बताया कि आपको कपलिंग और रिपल्सन को अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो हमारा कपलिंग रिपल्सन है वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ही होता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का लिंकेज का मीन है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिंकेज का मीन ही होता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का वंशागत हो जाना, जाहिर हो जाना, आ जाना। सो उन्होंने एक टर्म दिया, उस टर्म में बताऊँगा अभी बाद में, पहले इसको देखिए। सो टीएच मॉर्गन ने कपलिंग व रिपल्सन को मिलाकर, किसको मिलाकर, कपलिंग व रिपल्सन को मिलाकर एक नया टर्म दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्यार से लिंकेज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। तो कपलिंग व रिपल्सन को हमने मिला दिया, मिलाने के बाद क्या बना, लिंकेज बना, ठीक है। ये किसने बताया, ये बताया हमें टीएच मॉर्गन ने, ठीक है दोस्तों, टीएच मॉर्गन ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि कपलिंग व रिपल्सन इक्वल रिपल्स लिंकेज, ठीक है। और लिंकेज की खोज किसने की, तो टीएच मॉर्गन ने की। देखिए ना, मैंने क्या बताया था, सारा क्रेडिट कौन ले गया, टीएच मॉर्गन ले गया ना, कितने शार्प माइंड के साइंटिस्ट थे। क्योंकि थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पूरा काम किसी और ने किया, सिर्फ एक साइंटिस्ट आए और उसी काम को देखा उन्होंने और बता दिया, नहीं ये इसमें ये कमी थी, ये इसका है, और सिर्फ थोड़ा सा काम करके पूरा क्रेडिट ले के चले जाना, थोड़ा दुख होता है, खैर छोड़िए। सो दोस्तों, ये क्या था, मैंने आपको जो बताया, इसको आप नोट्स के रूप में लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात, लिंकेज बोलते हैं, टर्म दिया टीएच मॉर्गन ने, अब हम बात करेंगे एक्चुअल में टीएच मॉर्गन ने डेफिनेशन क्या दिया, क्या परिभाषा दी लिंकेज की, ठीक है दोस्तों। और आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था। तो टीएच मॉर्गन ने डेफिनेशन क्या दिया, देखिएगा, डेफिनेशन ऑफ लिंकेज यानी संलग्नता की परिभाषा, ठीक है, संलग्नता की परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा, सहलग्नता यानी लिंकेज, यानी लिंकेज पेरेंटल कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन की आवृत्ति है, यानी जितना पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा उतना लिंकेज ज़्यादा होगा, और जितना कम आएगा लिंकेज उतना कम होगा, ठीक है, जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है ऑब्वियसली। कपलिंग व रिपल्सन में भी, कपलिंग व रिपल्सन में भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा थी ना, आप लोगों ने देखा होगा, और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम थी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बैट्सन पर्ट ने जब कपलिंग और रिपल्सन को बताया तो उसमें उन्होंने ये भी तो बताया था ना कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसका रेशियो ज़्यादा आया था, 7:7 था, और जो रिकॉम्बिनेशन था उसका रेशियो कम था, 1:1 था। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेशियो ज़्यादा आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो लिंकेज कम होगा, और रिकॉम्बिनेशन की वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1:1 थी ना, यानी कम थी, ठीक है। सो इस आधार पर टीएच मॉर्गन ने क्या बताया, टीएच मॉर्गन ने बताया कि जो सहलग्नता होता है यानी जो हमारा लिंकेज होता है, लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू 1/जीन्स के मध्य दूरी। ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन, लिंकेज होता है किसके, 1/जीन्स के मध्य की दूरी। मैं इसको रेड पेन से, रेड मार्कर से सर्कल कर देता हूँ, जीन्स के मध्य दूरी, ठीक है, ये क्या प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है,
इसका मतलब क्या है, अगर जीन्स के मध्य दूरी जो है वो कम होगी तो लिंकेज ज़्यादा होगा, और अगर जीन्स के मध्य की दूरी जो है अधिक है तो लिंकेज कम होगा। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स, आपको मालूम होगा ना कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को मैं यहाँ पर बना देता हूँ स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पर हम जानते हैं क्या स्थित होता है, जीन्स पाए जाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे जीन्स इस रूप में कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये जीन्स है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है हमारे, जीन्स है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ब्लैक मार्कर से मार्क कर देता हूँ, ये हमारे क्या मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे जीन्स बना रहा हूँ। एक जीन यहाँ है, दूसरा इससे दूर है, तीसरा यहाँ, तो चौथा यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जीन जो है पास पास है, एकदम पास पास है। ठीक है, दो क्रोमोसोम है, दोनों में यहाँ पे जीन्स की दूरी है। तो क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स की दूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स की दूरी, ये क्रोमोसोम है, इससे ऊपर से जीन्स की दूरी जितनी कम होगी, जितनी कम होगी लिंकेज उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर लिंकेज क्या होगा, लिंकेज यहाँ पर, लिंकेज इज मोर। कैसे, मैंने जैसे बताया आपको कि ये क्रोमोसोम है, हम जानते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मिलते हैं, और ये जो जीन्स है इनकी जो दूरी क्या है, बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिंकेज ज़्यादा होगा। और इसी का दूसरा देखिए, क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स, जीन्स की दूरी जितनी अधिक होगी क्या होगी, जितनी अधिक होगी, देखिए एक जीन्स यहाँ है तो दूसरा जीन यहाँ है, तीसरा यहाँ है तो चौथा यहाँ है ना, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और यहाँ पे क्या है, पास पास है, बिल्कुल पास पास, क्या है, बिल्कुल पास पास। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी अधिक होगी क्या, जीन्स की दूरी किसमें, क्रोमोसोम में, तो क्या होगा, लिंकेज उतना ही कम होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं क्या, देखिएगा, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ए है, ठीक है, ये क्या है, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ये सारे क्या हैं, जीन्स हैं, हम क्या मानते हैं इसको, जीन्स मान रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारा क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो हमारा ए बी सी डी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हमारा, यहाँ पर ये जीन्स है, ये जो लाइन गया है, ये क्या हमारा क्रोमोसोम मान सकते हैं आप। ठीक है इसको, अच्छा अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ, क्या ये बता सकते हैं इनमें जो जीन्स की दूरी है सबसे ज़्यादा किसमें होगी और सबसे कम किसमें होगी, है ना, तो याद रखिएगा ए और बी में जो जीन्स की दूरी है कम है, बी व सी में कम है, सी व डी में कम है, इसका मतलब क्या है, ए व बी में जीन्स की दूरी क्या है, कम है, तो यहाँ पे लिंकेज क्या होगा, लिंकेज बहुत अधिक होगा, यानी लिंकेज होगा। और अगर हम तुलना करें ए और सी के बीच, ये ए और सी के बीच, तो क्या है, दूरी बहुत अधिक है, तो यहाँ पे लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं ऐसा बनाकर, और क्या लिखेंगे आप इसमें, आपको ये लिखना है ए व बी के मध्य जो जीन की दूरी है वो क्या है, कम है, तो कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, इसी प्रकार ए व सी में दूरी क्या है, अधिक है, तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वो पॉइंट ये है कि जो हमारा क्रोमोसोम के ऊपर, ये क्या है, क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होता है, क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो किस क्रम में मिलते हैं, वो रेखीय क्रम में मिलते हैं, किस में मिलते हैं, रेखीय क्रम यानी लीनियर फॉर्म में मिलते हैं। तो याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिंकेज, ठीक है, उसमें हमको ये मालूम चला कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं यानी गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं वो रेखीय क्रम में लगे रहते हैं, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों ये जो एक वीडियो था लिंकेज, यहाँ पर ये लिंकेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये भले ही लेक्चर नंबर 3 था हमारा, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम लिंकेज ग्रुप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिंकेज ग्रुप। अभी हमने लिंकेज को कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और पॉइंट बचे हैं, जैसे लिंकेज
हमको ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के हम देखेंगे कि उनमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्रोमोसोम कैसे मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, लिंकेज का टाइप्स ही पढ़ना है। अभी दो टाइप के हैं, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। सो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियोज़ को देखिए और देखने के बाद सारी वीडियोज़ को देखिए। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर टू को देख लिए तो आप सोचेंगे कि मुझे बन जाएगा, नहीं दोस्तों, लेक्चर वन भी देखिए, टू भी देखिए, थ्री भी देखिए। और साथ ही साथ आपको जो समझ में नहीं आ रहा जो टॉपिक, आप कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, आप एक बार करके देखिएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए, ठीक है। सो आपका ये एक ड्यूटी बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और आपको तो ये भी बनना चाहिए कि बिना, अगर वीडियो आगे देखे भी तो लाइक पहले कर देना चाहिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है ना, ये क्या है, एक बैड हैबिट में आएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।